सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी पार पूरे अमृत संत चुग हैं नहीं दूरे हर रस चोग चुग हैं प्रभ भावे सर्वर मह हंस प्राण पत पावे गुर सागर रतनी पार पूरे अमृत संत चुग हैं नहीं दूरे हर रस चोग चुग हैं प्रभ भावे सर्वर मह हंस प्राण पत पावे क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए रहाओ रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ भय निरंकारी मुकत पदार्थ हर रस चाखे आवण जान रहे गुर राखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मह हंस हंस मह सागर आकथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी वैसे नार ना पुरख कहो को कैसे त्रिपवन जोत रहे लिवलाई सुर नार नाथ सच्चे शरणाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वशल पै काटन हारे होमे मार मिले भगतारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए
मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुबदा खोवा आप न चीनस ब्रह्म ब्रह्म रोवा कहतो पढ़तो सुनतो एक धीरज धर्म धरनी तर टेक जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल ना लागा गुर कै शब्द परम पौ पग सूरत मूरत आद अनूप नानक जांचे साच स्वरूप साचे निर्मल मैल न लागा गुर कै शब्द परम पौ पग सूरत मूरत आद अनूप नानक जांचे साच स्वरूप वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी राग तनासरी कर दूजे विच गुरु नानक देव जी की अठ बंदा वाली बाणी अकाल पुरख एक है अते सतगुरु की कृपा नाल मिलता है। गुरु मानो एक समुंदर है जो प्रभु की सिफत सलाह के रतना नाल नको नक भरिया होया है। गुरमुख सिख उस सागर विचों आत्मक जीवन देने वाली खुराक प्राप्त करते हैं जिमें हंस मोती चुकते हैं तो गुरु तो दूर नहीं रहते। प्रभु की मेहर अनुसार संत हंस हरी नाम रस की चोग चुकते हैं। गुरसिख हंस गुरु सरोवर विच टिकया रहिंदा है ते जिंदे मालक प्रभु नू लब लैंदा है। विचारा बगला छपड़ी विच कादे लई नहाउंदा है कुछ नहीं खटदा सगों छपड़ी विच नहा के चिक्कड़ विच डुबदा है। उसकी यह मैल दूर नहीं हुंदी। जिहड़ा मनुख गुरु समुंदर नू छड़ के देवी देवत्यां आदक होर होर दे आसरे भालदा है वह मानो छपड़ी विच ही नहा रहा है। उत्थों ओह होर माया मोह दी मैल सहेड़ लैंदा है। रहाओ गुरसिख बड़ा सुचेत हो के पूरी विचार नाल जीवन सफर विच पैर रखता है। परमात्मा तो बिना किसी होर आसरे दी भाल छड़ के परमात्मा दा ही बन जाता है। परमात्मा दे नाम दा रस चख के गुरसिख ओह पदार्थ हासिल कर लैंदा है जो माया दे मोह तो खलासी दवा देंदा है। जिस दी गुरु ने सहायता कर दिती उस दे जन्म मन दे गेट मुक गए। जिमें हंस मान सरोवर नू छड़ के नहीं जांदा तिवें जिहड़ा सिख गुरु दा दर छड़ के नहीं जांदा ओह प्रेम भगती दी बरकत नाल अडोल आत्मक अवस्था विच लीन हो जांदा है। जिहड़ा गुरसिख हंस गुरु सरोवर विच टिकदा है उस दे अंदर गुरु सरोवर अपना आप प्रगट करता है। उस सिख दे अंदर गुरु वस पैंदा है। एक कथा अकथ है भाव इस आत्मक अवस्था का बयान नहीं हो सकता। सिर्फ यह कह सकते हाँ कि गुरु के बचना उत्ते तुर के वह लोक परलोक विच आदर पाता है। जिहड़ा कोई विरला प्रभु चरणा विच जुड़िया बंदा अफुर अवस्था विच टिकता है उसके अंदर इसत्री मर्द वाली तमीज़ नहीं रहती भाव उसके अंदर काम चेष्टा जोर नहीं पाती। दसो कोई यह संकल्प कर भी किवें सकता है क्योंकि वह तो सदा उस परमात्मा विच सुरत जोड़ी रखता है जिसकी जोत तिना भवणा विच व्यापक है अते देवते मनुख नाथ आदक सब जिस सदा थिर दी शरण लई रखते हैं। गुरमुख हंस गुरु सागर विच टिक के
उस प्राणपति प्रभु नूं मिलदा है जो आत्मक आनंद दा सोमा है, जो न्यासरियां दा आसरा है। गुरमुख उस भगती दी राही अते उस दे गुणां दी विचार दी राही अडोल आत्मक अवस्था विच टिके रहिंदे हन। ओह प्रभु अपने सेवकां दी भगती नाल प्रेम करदा है, उन्हां दे सारे डर दूर करन दे समर्थ है। गुरमुख होमे मार के अते साध संगत विच टिके उस आनंद मूल प्रभु दे चरणां विच जुड़दे हन। अनेकां होर जतन करन करके सहेड़ी होई आत्मक मौत उसनूं सदा दुखी करदी है। ओह पिछले कीते कर्मां अनुसार धुरों आत्मक मौत दा लेख ही अपने मत्थे उत्ते लिखा के इस जगत विच आया, ते इत्थे भी आत्मक मौत ही विहंजदा रहा। ओह मनुख होमे विच पटक पटक के दुखी हुंदा है। परमात्मा तो बिना किसी होर आसरे की भाल विच ओह अमोलक मनुखा जन्म नूं गवा लैंदा है। जिहड़ा मनुख विचारे बगले वांग होमे की छपड़ी विच ही नहाउंदा रहिंदा है ते अपने आत्मक जीवन नूं नहीं पछाणदा, पर जिहड़ा मनुख एक परमात्मा की सिफत सलाही नित उचारदा है, पढ़दा है ते सुनदा है ते धरती दे आसरे प्रभु दी टेक फड़दा है, वह गंभीर सुभाव ग्रहण करता है। वह मनुख जीवन दे फर्ज़ नूं पछाणदा है। जत सत ते संजम उस मनुख दे हिरदे विच सुते ही लीन रहिंदे हन। जे वह गुरु दी शरण विच रह के अपने मन नूं उस आत्मक अवस्था विच गिजा लए जिथे माया दे तिन्ने ही गुण जोर नहीं पा सकते, सदा थिर प्रभु विच टिके पवित्र होए मनुख दे मन नूं विकारां दी मैल नहीं चंबड़दी। गुरु दे शब्द दी बरकत नाल उसदी भटकना दूर हो जांदी है, उसदा दुनिया वाला डर सहम मुक जांदा है। जिस वर्गा होर कोई नहीं है, जिस दी सोहनी सूरत ते जिसदा वजूद आद तों ही चलिया आ रहा है, नानक जी भी उस सदा थिर हस्ती वाले प्रभु दे दर उत्तों नाम दी दात मांगदे हन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।